गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज फर्स्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4। राइट 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाय बी इक्वल -4। आपको 3 पेयर्स लिखना है जिसमें ए और बी, ए बी के रूप में इसका आंसर -4 होना चाहिए। तो देखिए 3 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी इक्वल -24, 6, तो 6 4 जा 24, -4, 8, 2, तो 2 4 जा 8, -4, -20 and 5, तो 5 4 जा 20, this -4, answer। Question number 5, an alligator is 25 meter below the ground। एक alligator है, ये आपकी ground है, ये क्या है? ग्राउंड है, ग्राउंड से ये 25 मीटर बिलो है, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस होगी 25 मीटर, क्लियर? एंड एलिवेटर, एलिवेटर मींस लिफ्ट, इज 25 मीटर बिलो द ग्राउंड। एक एलिवेटर लिफ्ट जो है वो आपकी 25 मीटर बिलो है ग्राउंड से। एंड इट असेंड्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट, और ये जो ऊपर जब चलती है तो इसका रेट है 5 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 5 मीटर चल रही है। फाइंड द टाइम टेकिंग बाय इट टू रीच 50 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अब ये ग्राउंड से इसने अब यहां से नीचे आई, इसमें डिग्री है, अब ये यहां से ऊपर चल रही है, अब ग्राउंड से कितना ऊपर है? 50 मीटर, ये डिस्टेंस आपकी है टोटल 50 मीटर। तो अभी ये ग्राउंड से 25 मीटर बिलो है, अब यहाँ से इसने चलना स्टार्ट हुआ है, तो 25 ये आगे और 50 ये आगे, तो ये रीच कहाँ पर हुई आपके? इस पॉइंट पर। तो देखिएगा एंड एलिवेटर इज बिलो द ग्राउंड इक्वल 25 मीटर, अब बिलो है तो बिलो मीन्स निगेटिव हो गया, -25 मीटर। इट रीच अबव द ग्राउंड, अब ये ग्राउंड से कितना ऊपर चल रहा है? 50 मीटर, दिस 50 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस इक्वल 50 मीटर -25 मीटर, ब्रेक इट ओपन, 50 मीटर -- प्लस 25 मीटर इक्वल 75 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 75 मीटर। टाइम टेकन इन 5 मिनट, अब इसको 5 मिनट चलने में कितना समय लगा? 1 मिनट। तो सो टाइम टेकन इन 75 मीटर, तो 75 मीटर चलने में कितना समय लगेगा? 75 मीटर अपॉन 5 मीटर, मीटर टू मीटर कैंसिल, 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25 इक्वल 15 मिनट आंसर। नेक्स्ट नंबर 6, टेंपरेचर ऑफ ए रूम एट द मिडनाइट इज -4 डिग्री सी। एक रूम है जिसका मिडनाइट मींस अर्धरात्रि, आधी रात, आधी रात को टेम्परेचर था -4 डिग्री सी। द रूम टेम्परेचर इंक्रीज इज 2 डिग्री सी पर आवर, और ये जो रूम का टेम्परेचर है वो पर आवर मींस एक घंटे में 2 डिग्री सी बढ़ता है, इंक्रीज होता है। फाइंड द टेम्परेचर एट 4 पीएम, तो 4 बजे इसका टेम्परेचर कितना होगा? एंड 12 नून, और दोपहर के 12 बजे इसका टेम्परेचर कितना होगा? तो आप देख रहे हैं मिडनाइट में टेम्परेचर -4 है, अब मिडनाइट से 4 एएम तक का टाइम कितना हो गया? 4 आवर, तो 1 आवर में कितना इंक्रीज हुआ? 2 डिग्री सी, तो 4 आवर में 4 2 जा 8 डिग्री सी, अब 8 में से इस -4 को माइनस करेंगे तो दिस आंसर हो गया 4 डिग्री सी। इसी प्रकार इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 2 जा 24, और दिस 24 से इस -4 डिग्री को माइनस कर देंगे तो दिस आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। नेक्स्ट 7 नंबर, एंड इन ए टेस्ट प्लस 5 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक सही आंसर पर 5 मार्क्स दिए जाते हैं एंड -1 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और प्रत्येक गलत आंसर पर आपको -1 मार्क्स दिया जाता है। पार्ट नंबर 1, रोहित आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, रोहित सभी प्रश्नों को हल करता है एंड स्कोर 30 मार्क्स, और उसका स्कोर कितना होता है? 30 मार्क्स। तो यदर ही गॉट 10 करेक्ट आंसर, यदि उसके 10 करेक्ट आंसर है,
तो आपको इसमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन इनकरेक्टली अटेम्प्ट बाय ईच ऑफ देम। तो इसमें आप देख रहे हैं सही पर कितने मार्क्स दिए जाते हैं, 5। तो उसने सही मार्क्स कितने किए, करेक्ट आंसर 10। तो 5 10 50 मार्क्स हो गए। अब इनकरेक्ट की बात कर रहा है, तो देखिए उसने 10 किए तो ये इसमें से माइनस कर दीजिए, टोटल स्कोर कितना है 30 मार्क्स। तो 50 माइनस 30 20, तो उसके इनकरेक्ट आंसर कितने हो गए 20। सिमिलरली पार्ट नंबर 2, दिस इज होमवर्क।